सॉरी सॉरी। गुड, बोलती रहा करो, तुम्हारे मुंह से शब्द अच्छा लगता है। इसे भी तुम अपनी जीत ही समझोगी, मेरे मैनर्स में। वैसे तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि ये सब सिखाना अच्छा भी नहीं लगता, अब तो जाने दो। ओ हेलो, पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत ज्यादा उड़ रही हूँ हवा में, किस दिन ऐसा गिरोगी ना। जितना चाहती हूँ ना मैं, जितनी बार सोचती हूँ कि मैं शांत रहूं, तुम्हें कुछ ना बोलूं, तुम्हें ठेस ना पहुंचाऊं, उतनी बार तुम ऐसा कुछ करती हो जिससे तुम और बुरा साबित कर देती हो खुद को, मेरी नजरों में और ज्यादा गिरा देती हो खुद को। मत कैसे भी तुम्हारी, हाँ मुझसे ऐसे बात करने की, डोंट यू डेयर लक्ष्मी, डोंट। हो क्या तुम, हाँ क्या हो, क्या हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो, बस मानने को तैयार नहीं हो। और जैसे तुम उड़ना कह रही हो ना, वो उड़ना नहीं, सच की जमीन पर पैर जमाना होता है, और जिसके पैर जमीन पर जमे होते हैं उसे कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए अभी भी कह रही हूँ, मान जाओ और बंद कर दो ये सब घटिया हरकतें करना। शिव, तो तलाक को यूज करके इस घर में तुम घुस आई, ऋषि के पीछे तुम पड़ी हो, सबका जीना हराम तुमने कर रखा, गिरवी हरकत मैं कर रही हूँ, हाँ बताओ जरा क्या किया मैंने। ये भी बताना पड़ेगा, करिश्मा बुआ के प्यार को इस्तेमाल कर रही हो तुम, सोनिया और बाकी सबको बहका रही हो, क्यों, मुझे और ऋषि को दूर करने के लिए। माइंड योर टंग लक्ष्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो करिश्मा बुआ को किचन में क्यों भेजा था तुमने, क्यों उनसे नाटक करवाया हाथ जलाने का, दोनों सब्जियां मिला दी करिश्मा बुआ ने, क्यों। मैं चाहती तो सबको हॉल में ये चीज बता सकती थी, स्पेशली मम्मी जी को और ऋषि को भी, लेकिन ये इतनी गिरी हुई हरकत है ना कि ये बताने लायक भी नहीं थी। और तुम कर क्यों रही हो ये सब, मुझे और ऋषि को दूर करने के लिए, तो हो गए इससे हम दूर, हाँ नहीं बल्कि हमारे लिए तो और अच्छा ही हो गया, ऋषि ने टाइम पे खाना भी खा लिया, उसे मेरा खाना इतना अच्छा भी लगा, इतनी तारीफ की, और किस भी तो किया था उसने मुझे, याद है ना, और फिर हम लोग साथ ही थे पूरे टाइम, एक साथ। मलिष्का मैं समझ रही हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्यों इस हद तक गिर रही हो, ऋषि के लिए डर रही हो तुम, मैं सच में समझ रही हूँ, लेकिन अब बारी समझने की तुम्हारी है, तो बंद कर दो ये सब, क्योंकि ये गलत है, और गलत राह पर चलकर ना कभी भी सही मंजिल नहीं मिलती। Enough! और अपना ये लेक्चर और ज्ञान ना अपनी बहनों के लिए बचा के रखो, मुझसे मत आजमाना ये सब। अरे जी तुम बोल रही ना ऋषि के लिए मेरा डर है, और दोबारा अपने मुंह से ये शब्द निकालना मत, नफरत है मुझे शब्द से। शब्द से नफरत मत करो, उसके पीछे की वजह से नफरत करो, और उस वजह से दूर रहने की कोशिश करो, और वजह पता है ना तुम्हें क्या है, ऋषि, ऋषि से दूर हो, क्योंकि मैं पत्नी हूँ उसकी, उसकी जिंदगी मुझसे ही। मेरे लिए सब कुछ मायने नहीं रखता, बकवास है सब, मेरे लिए शादी का मतलब कुछ और है, मेरे लिए मतलब है कि दो लोगों का प्यार करके आपस में साथ रहना, ये है शादी मेरे लिए, और कौन ऋषि के साथ रहेगा तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ महाबलेश्वर ऋषि के साथ। तो अब समझने की जरूरत तुम्हें है लक्ष्मी, कि ऋषि की जिंदगी तुम नहीं हो, मैं हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मैं जा रही हूँ महाबलेश्वर। थैंक गॉड, कम से कम तुमसे छुटकारा तो मिलेगा हमें।